मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, तो यहाँ पर अहले हदीस का मस्जिद नहीं है, हनफी मस्जिद है। तो यहाँ पर जुमे के दिन दो अजाने होती है, एक खुतबा से पहले एक खुतबा के बाद। तो जो जी खुतबा से पहले होता अजान, तो उसको जवाब दे देते हैं, और जो खुतबा के बाद जो होती है अजान, तो उसका जवाब देना कैसा है? ये तो बिदअत नहीं वाज़े है। है सवाल। हाँ जी शेख, शॉर्ट में ले लीजिए। देखिए, जुमा में एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक अजान होती थी, और जब जरूरत का एहसास हुआ तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरी अजान दिलवाई, और उसकी वजह बताई जाती है कि उस शहर फैल चुका था, आबादी दूर तक हो गई थी, वहां तक लोगों को आवाज नहीं पहुंचती थी। इसलिए जो असल अजान है, खुतबा से पहले वाली अजान, उससे पहले आधा एक घंटा या कुछ वक्त पहले वो अजान दिलवाते थे मस्जिद से बाहर दूर किसी जगह पर, मकामे जोरा जी एक जगह का नाम था, वहां से अजान दी जाती थी ताकि लोगों को इत्तला हो जाए कि जुमा का वक्त करीब आ गया है और वो लोग आ जाएं। तो ये जो पहली अजान का इजाफा उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किया, ये भी अजान ही है, ये भी अजान ही है। तो अगर कहीं पर किसी मस्जिद में दो अजान होती है तो दोनों अजान का जवाब देंगे आप, उसमें जवाब देने में कोई कैद नहीं है कि पहली अजान का जवाब नहीं देना है, दूसरी का देना है। अजान होगी तो उसका जवाब आपको देना है, वो चाहे पहली अजान हो या दूसरी अजान हो। जी 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 शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। जी सही, लेकिन जो हमारे उलमा अहले हदीस बताते हैं कि मतलब दूसरी जो अजान होती है वो बिदअत है। कौन अहले हदीस आलिम कहता है कि बिदअत है नहीं, भाई? असल में मसला मतलब कैसे है ना शेख, हमारे यहाँ जैसे अहनाफ का जो तरीका है उसको वो जिक्र कर रहे हैं कि हाँ, मस्जिद ही में। उस तरीके को देखिए, तरीका वो अजान कब दी जाती है, किस तरीके से, वो तरीका हो सकता है गलत हो, लेकिन जी दूसरी अजान बिदात नहीं है। दूसरी अजान जहां पर जरूरत है वहां पर देना बल्कि सुन्नत है, जहां पर जरूरत है। अभी भी बहुत सारे गांव देहात ऐसे हैं जहां पर लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं जुमा के दिन, जब पहली अजान होती है आधा घंटा 40 मिनट पहले, अब वो जैसे अजान हुई उनको पता हो गया कि अब जुमा का वक्त करीब है, फौरन जो है काम धाम छोड़ के वो निकल पड़ते हैं। तो वहां पर मसला है, वहां पर बाकायदा सुन्नत है, जहां पर जरूरत नहीं है रह गई है इसकी, वहां पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस्मान रजी अल्लाह तआला उन्होंने किसी इल्लत की बुनियाद पर वो किया था। जब वो इल्लत पाई जाए तब उसको देना ये सुन्नत है, जहां वो सबब ना हो तो वहां पर एक ही अजान पर इक्तफा करना चाहिए। बाकी आपका ये मुतलक कहना कि मुतलक इसको बिदात कहते हैं, अगर कोई कहता भी है तो सही नहीं है।